सिंचाई विभाग मुर्दाबाद, सिंचाई विभाग मुर्दाबाद, सिंचाई विभाग मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। तो इस गूल की स्थिति देख सकते हैं, इसका जो बेस है वो पूरी तरीके से बह चुका है, लेकिन इसमें जो रिपेयर है उसके लिए सिंचाई विभाग के पास कोई पैसा नहीं है। और आप देख सकते हैं कि गांव की जो महिलाएं हैं वो भी अब नीचे आ गई हैं, क्योंकि इन खेतों में जो काम करती हैं और बच्चों के लिए जो अनाज पैदा होता है उसमें महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो वो भी बड़ी निराश हैं कि इतना पैसा लगने के बाद ये इनके गांव के नीचे ये हो क्या रहा है। यहाँ पे इनका ये कहना है कि यहाँ पे मशीन से खोदा गया है, यहाँ पे जो नहर थी वो भी क्षतिग्रस्त कर दी गई है। तो सिंचाई विभाग का जो मकसद होता है नहर के गूल के मार्फत, नहर के मार्फत खेतों तक पानी पहुंचाने का, वो मकसद तो बिल्कुल यहाँ पे दिखाई नहीं देता। और मुझे उम्मीद है कि सतपाल महाराज जो सिंचाई मंत्री हैं, इस इलाके के विधायक भी हैं, यहीं उनका गांव भी सिड़िया खाल के पास है, वो जरूर यहाँ आएंगे और देखेंगे कि सिंचाई विभाग में उनकी नाक के नीचे किस तरह के काम यहाँ पे हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेसीबी लगा के क्षतिग्रस्त कर दी गई है, जो नीचे वाली गूल है वो टूटी हुई है यहाँ पे, और बड़े लंबे चौड़े एरिया में ये वायर क्रेट की दीवारें लगाई जा रही हैं। करीब 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई इनकी बताई जा रही है। इसमें कोई सीमेंट का ब्लॉक हमें नज़र नहीं आया, और जो वायर क्रेट यहाँ पर लगाया गया है उसमें पत्थर भर दिए गए हैं, जो कि दीवारें हैं वो अभी से गिरने की स्थिति में दिखाई दे रही हैं। हमारा गांव में जो काम चलो चाहे वो अच्छी तरह से नहीं चलो चाहे, हमारे शहर बहुत ज्यादा हमारे मतलब जमीन भूमि हमें शहर में बहुत ज्यादा हमें ठान क्या है ना, मतलब ये ठेकेदार यू जेसीबी मतलब तो खो दिया, जेसीबी तो खो दिया, पर ठेकेदार मतलब दीवार नहीं धराना चाहे काम नहीं कराना चाहे, और परेशान बहुत छा परेशान हमारे तो गदनाल बड़ो भाई गदनाल हो तो बहुत जान तो बहुत जानता है हमारे बच्चों क्या खाए क्या हमल क्या खाए। हम खेत बड़ी निर्भर ज्यादा कहेगी, हमारे कुछ छनी साधन हमारा बच्चा भी खेत बड़ी निर्भर थी, अगर हमें नौकरी नहीं चाकर नहीं हम ही दूर उड़ा सजाड़ा था, अगर कोई हमारे बच्चा ही बोझ जाए हम ही बोझ रहा तो एक जिम्मेदार कोच आठ और पीढ़ी हम क्या सोच रही हम क्या कहेगी कुछ भी नहीं हम गण। तो आपन ये जो ठेकेदार हम काम कराना चाहिए हो तो नहीं बोले कि तुम क्या करना चाहे भाई? अरे वो तो पूछ उन बार हमारे जी एस हमारे ठेकेदार वो पूछा वो तो अपना आप ही धरवा दे बिना जांच पूछा हमारे गाँव भी क्या चाहना हम भी चाहना कि हम हमारा सारा सुरक्षित रहे हमारा सारा बोगन जाना दीवार ढंग से धरन देनी हम कर तो बहुत परेशान छे अख को जगह छवा हम कर पुल नीचे जाना कोई सुविधा नीचे काखे हम तो ये तो असमर्थ हवा ये उकाल बटी कलेक बटी जान में सरकार से दुनिया खड़ा फैसलेट का हम कर कुछ भी नहीं कर डंग गांव का बाल रोड आनी तो काका और रोड खानी से गदन छल अर्जी गोल ये जो दीवार वाल लगनी से दीवार वाल भी तुम बेकार रखना था हमारे कुछ काम हमारे शहर भी चाहे दो चार टुकड़ा उल भी चल रहा है वही हम जरा हमारे गाय बच्चों को घास भून दे थोड़ा बहुत हमारा अनाज भून दे तू भी तुम गगन जुगा करना था। ये जो सुरक्षा दीवार है इसमें बहुत ही मनमानी चल रही है, ठेकेदार यहाँ के तहाँ काम कर रहे हैं किसी का कोई पता नहीं है, लेबर यहाँ पे आके ऐसा काम करती है जिससे कि बिल्कुल संतुष्टि नहीं मिल पाती है, हमारे ग्रामीण बड़े परेशान है। जेसीबी आया था, जेसीबी ने हमारी आधी नहर तो जेसीबी तोड़ के ले गई, वो हो गया बस, अब नहर एक बची हमारे पास, दोनों नहर है दोनों में पानी सिंचाई होता है, नहर के ऊपर उन्होंने दीवार रख दी। कई बार बोला मैंने विभाग से कि वहाँ जाके देखिए आप जाके देखिए, वो कई बार फोन करते हैं कि हो जाएगा, तब से कुछ नहीं हुआ। तो आप दोनों लोगों को जो यहाँ पे आए हमारे गाँव की समस्या आपने सुनी और बाकी लोगों जेई सबसे हमने संपर्क कर दिया, कोई न यहाँ पे आया, जो जेई आया हुए तो वो देख के चला गया, दो बारी जी आ चुका है, तो दीवार जैसे की तैसी है। मेरे से बीरो खाल में मिले थे, बोला था कि हम दीवार तोड़ के दोबारा नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं हुआ उसमें, ये अपना कमीशन बढ़ा के अपना घर चले जाएंगे, कल को लेबर भी चली जाएगी, हम तो परेशान हो जाएंगे, पूरी नहर हमारी बेकार हो जाएगी। हमारे जैसे कोई मैसेज यहाँ से भेजना चाहता हूँ कि वो हमारे विधायक भी है, सिंचाई मंत्री भी है, और हमें उम्मीद थी उनसे, हमने उनको जिता के आगे भेजा, विधानसभा में भेजा, हम चाहते हैं कि ये जो जितने भी काम हो रहे हैं उनके नीचे हो रहे हैं तो ये उनको एक बार समझाएं कि वहाँ पे आप जाके देखें ये जो भी है तो यहाँ पे भेजें और हमारा काम जो है देखें।
और हमने रोड के बारे में कई बार बोल चुके हैं कि रोड हमने NOC दे दी, सब कागज सब कुछ कर दिया। PWD ऑफिस जाओ तो PWD वाले कहते हैं कि ऊपर शासन प्रशासन पे जोर डालो, हमारे ऊपर से कागज आएगा, उसके बाद आपके रोड का काम शुरू होगा। हमने वहाँ तक भी फ़ोन किया मगर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है ना। और मैं महाराज जी को बोलना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता है उनके ऊपर जोर डाल के एक बार बोलिए कि हमारे गाँव में जाए देखे क्या हाल है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि कोई नहर इसमें तोड़ी गई है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि नहर को सुरक्षा प्रदान की गई है, इससे नहर के साथ साथ वायर गेट लगाए गए हैं जो नहर को भी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, और इसके हेड पे चेकडैम बनाने का भी प्रस्ताव हम लोग बना रहे हैं अभी, और इससे नहर को सुरक्षा मिलेगी, ये कहना बिल्कुल गलत है। इसमें क्या है कि पत्थर की जो गुणवत्ता है वायर ग्रेड के वर्क में क्या होता है कि जो हमारा मैश साइज है वायर ग्रेड का उससे बड़ा पत्थर होना चाहिए, तो पत्थर को मानकों के अनुसार ही लगाया जा रहा है। और जहाँ तक उनकी लेइंग की बात है तो इसमें मैसन का प्रावधान नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा SOR है PWD का उसमें मैसन का प्रावधान नहीं है, तो अनस्किल्ड लेबर से ही हम लोग वायर ग्रेड का काम कराते हैं। लेकिन फिर भी जो भी ठेकेदार वहाँ काम कर रहे हैं उनको निर्देश दिया हुआ है कि वो अच्छे से अच्छा काम करें, और काम बहुत अच्छा हो रहा है, इससे जनता को निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। मैं सतपाल महाराज जो कि इस इलाके के विधायक हैं और सिंचाई मंत्री भी हैं, पहले भी ये संगला कोटी का एक मामला मैंने उनके संज्ञान में लाया था, संभवतः उन्होंने जांच के उसमें आदेश दिए हैं, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जिस तरह की सतपाल महाराज की छवि है ईमानदार एक विधायक की एक मंत्री की, वो इस गंभीर प्रकरण की भी जाँच करवाए, क्योंकि इसमें सीधा सीधा भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। बीरोखाल से जागो उत्तराखंड के लिए आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।